हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज मैं बनाने वाली हूँ व्रत में बनने वाली बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, और बहुत ही टेस्टी और इतनी क्रिस्पी है और घर के ही बेसिक से दो सामानों से बनके तैयार हो जाती है। तो ज़्यादा इसमें तामझाम की ज़रूरत भी नहीं है और आप कभी भी इसको बना के खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और इस थोड़ा बड़ा बाउल लिया है, और इसमें मैंने डाल दिए हैं उबले हुए आलू जो कि मैंने ग्रेट कर लिए थे। और इनको आप मैश ना करें, आप इनको ग्रेट करें तो बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आएगा। इसके बाद इसमें डाल दूंगी काफ़ी सारा हरा धनिया, और इसके साथ में आधी चम्मच काली पिसी हुई मिर्च पाउडर डाल दिया है, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और ये सेंधा नमक लिया है मैंने व्रत के लिए, और दो हरी मिर्चें काट के ले ली हैं, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता रखा हुआ था सूखा, वो क्रश करके डाल दिया है इसमें। और इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की हेल्प से। तो ये बहुत ही अच्छा सा हमारा मिक्स तैयार हो जाएगा डो जैसे। और आलूओं को आप जब भी पकाएं, जब भी इनको उबालें, तो पूरा कंप्लीट ना उबालें, 90% इसको उबाल लीजिए और उसको ग्रेट ही करें। इसको आप हाथ से ना तोड़ें, ग्रेटर से ही करें। तो ये हमारा तैयार हो गया डो, और अब इसको तैयार कर लेते हैं हम बैटर को। तो यहाँ मैंने कुट्टू का आटा लिया है, आप चाहे तो राजगिरी का आटा ले सकते हो, सिंघाड़े का आटा ले सकते हो, जो भी आप चाहें बाइंडिंग के लिए वो आप ले सकते हो इसके लिए। यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च डाली है। नमक देख के डालें क्योंकि हमने आलूओं में भी डाला है नमक, तो थोड़ा उस चीज़ को देख लें। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक अच्छा सा इसका बैटर तैयार करेंगे। तो पानी एकदम से ना डालें इसमें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और अच्छे से इसको लम्प फ्री कर लें। और जैसे जैसे आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालोगे तो ये थिक होता जाएगा, मतलब बहुत जल्दी ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा जो होता है, तो इसमें पानी ज़्यादा लगता है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें, और एक अच्छा सा रनिंग बैटर हमें चाहिए इसके लिए। तो ये अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा और पानी और ऐड करूँगी इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे। तो अभी बिल्कुल ठीक है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, ये इस तरह का होना चाहिए, इतना रनी होना चाहिए ये बैटर। तो ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली हैं अब इस, और एक फोक ले लिया है, फोक की हेल्प से हम कढ़ाई में डालेंगे इसको। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल अपने हाथों पे लगा लिया है, तो जो भी आप व्रत में ऑयल खाते हैं उसको आप यूज़ करें। और यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है आलू का, और उसको मैंने तो गोल बनाया है, आप जो चाहें वो शेप रख सकते हैं इसकी। तो इस तरह से इसको हम शेप दे देंगे और इस डिप में डाल देंगे, और इसको अच्छे से कोट कर लेंगे अपने बैटर से। और फोक मैंने इसलिए लिया है कि जो एक्स्ट्रा बैटर है वो वापस निकल जाएगा इसमें से। तो इस तरीके से थोड़ी देर इसके ऊपर रखेंगे तो जो एक्स्ट्रा बैटर है वो निकल जाएगा। और तेल हमारा काफ़ी गर्म होना चाहिए, जो भी आप व्रत में ऑयल खाते हैं, घी खाते हैं, वो गर्म होना चाहिए काफ़ी। तो इसमें डाल देंगे और ऊपर थोड़ा सा ऐसे तेल इसके ऊपर डालेंगे, उसके बाद इसको पलटें। तो दोनों तरफ से इसको अच्छा सा कलर आने तक सेक लेंगे, और बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं। कुट्टू का आटा हो या सिंघाड़े का आटा हो, तो उसमें कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो ये काफ़ी क्रिस्पी बनती है। और अंदर जो आलू हैं हमारे वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छे से ये सिक गया है, बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ गया है, तो इसको निकाल देंगे। और इसी तरह से मैं एक और आपको दिखा देती हूँ, एक और गोली बना लेंगे।
और अपने डिप में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कोट कर लेंगे इस बैटर से, और एक्स्ट्रा उसका निकाल देंगे और उसमें डाल देंगे कढ़ाई में इसको, और इसको भी इसी तरीके से सेक लेंगे चारों तरफ से, बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। तो शुरू में आप तेल इसको इसी तरह से डालें ऊपर की तरफ से, जब इसमें डालें तो इसको एटलीस्ट 1 or 2 मिनट के लिए छोड़ दें, बिल्कुल भी टच ना करें, नहीं तो ये फूट सकता है, इसके जो आलू हैं वो बाहर आ सकते हैं। तो ये जब सिक जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये अपनी तली छोड़ देता है और इजीली आप इसको पलट सकते हो। तो इसको भी चारों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक सेक लेंगे। तो इसी तरीके से सारे हम अपने बोल बना के तैयार कर लेंगे। तो ये इस तरह से मैंने सारे बना लिए हैं और हम सर्व कर देते हैं इसको। तो यहाँ मैंने हरे धनिए की चटनी और दही के साथ में सर्व किया है। दही में मैंने थोड़ा सा धनिया यूज़ किया है, और आप चाहें तो इसमें ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। और ये हमारे जो बोल बने हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में भी, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। तो मैं आपको दिखा दूँ इसको, थोड़ा सा खोल के दिखाऊँगी कि अंदर से इनका कैसा टेक्सचर है। अभी गर्म है ये काफ़ी, देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और बहुत ही भरे हुए हैं इनमें आलू, क्योंकि कोटिंग ज़्यादा मोटी नहीं है इनकी, क्योंकि हमने जो बैटर रखा था वो रनिंग बैटर था, तो ज़्यादा गाढ़ा बैटर होगा तो कोटिंग मोटी हो जाएगी। तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो, आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।